ओम सभी को शुभ नमस्ते। सजनों, आज हम शीतकारी शीतली प्राणायाम, आज के भागदौड़ के जीवन में हर आदमी तनाव में है, गुस्से में, टेंशन, सिरदर्द, डिप्रेशन, बहुत सारी समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये शीतकारी और शीतली प्राणायाम जो हमारे भारतीय ऋषियों की जो देन है वो अद्वितीय देन है, वो बहुत लाभ करती है। हमारे स्ट्रेस, तनाव, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में। तो कैसे करना है ये शीतकारी प्राणायाम और शीतली? तो शीतकारी तो सजनों होठ खोल के दांत मिला लेंगे, दोनों दंत पंक्तियां आपस में मिली हुई, और श्वास को ऐसे भरना है। नाक से बाहर निकालना है, अंदर दांतों के छिद्रों से अंदर जाएगा वायु और नासिका से बाहर निकालना है। आप महसूस करेंगे अंदर जाता हुआ श्वास ठंडा जाएगा और जो बाहर निकलेगा वो गर्म निकलेगा। अब सवाल उठता है कि ये कंटिन्यू आप चाहे 2 घंटे करो, जितना भी करो, चाहे घंटा करो, तो एक ठंडक आ कहाँ, गर्मी कहाँ से आ रही है? बाहर की जो वायु चल रही है सामान्य, उसको जैसे ही हमारी लार का स्पर्श मिलेगा, जो सलाइवा होता है उसके स्पर्श होते ही गर्म वायु भी जो लुएं चलती हैं वो तुरंत ठंडी हो जाएगी और वो अंदर जाकर के शरीर को स्निग्धता, ताजगी देगी। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि हमारी नस नाड़ियों के अंदर, हर अंग प्रत्यंग के अंदर जो रक्त बह रहा है, जो ऑक्सीजन अंदर जाके बह रही है, वो गर्म है। और हृदयाग्नि, जठराग्नि, पंचभूताग्नि, सप्तधातुआग्नि, ये सारी अग्नियां हमारे पूरे शरीर को गर्म किए हुए हैं। और जिस शरीर में गर्मी नहीं है वो तो फिर ठंडा हो जाता है, उसको तो फिर डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटलों में जाने की जरूरत पड़ती है, या जीवन ही समाप्त हो जाता है। तो गर्मी तो रहनी चाहिए हमारे शरीर के अंदर, पर अधिक जो बढ़ जाती है उसको दूर करने के लिए ये शीतकारी और शीतली प्राणायाम विशेष लाभ करते हैं, हमारे स्ट्रेस तनाव को दूर करेंगे। तो ऐसे किया करें, लेकिन करना 2-4 बार से काम नहीं चलेगा। इसको आपने, जिनको बीपी ज़्यादा रहता है, जिनको स्ट्रेस डिप्रेशन ज़्यादा रहता है, वो इसे 50, 60, 70, 80, 90, 100 बार करें, और ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। हाँ, लो बीपी में ना करें, ये ध्यान रखना होगा। तो ऐसे फिर करें, अब बड़े बुजुर्ग हैं, किसी के दांत टूट गए, जीवन में ठंडा गर्म खाया और कोई लापरवाही हुई, तो ऐसी अवस्था में दांत है नहीं तो शीतकारी नहीं हो पाएगा। दोनों का लगभग बराबर लाभ है, तो वो शीतली कर लिया करें। जिह्वा को बाहर निकाल के नली बनेगी, ऐसे नली से श्वास अंदर खींचना है। तो इस नली से जब आप सांस खींचेंगे अंदर तो भी ठंडा ही जाएगा, लेकिन ये आपने वहां नहीं करना जहां कीट पतंग उड़ रहे हों, वो सीधे सीधे अंदर वैक्यूम हो जाएंगे और सारे जीव जंतु अंदर जाएंगे, आपको हानि होगी उससे। इसलिए शीतकारी प्राणायाम में अवश्य ध्यान रखना कि ये शुद्ध वातावरण के अंदर, मच्छर ना हो, कीट पतंग ना हो, वही करना है। तो देखिए, शीतली फिर देखिए, भरना सहज है, चेहरा बिगाड़ना नहीं, ऐसे नहीं करना, सहज प्रसन्न मुद्रा, मुदित भाव, तनाव को ही तो दूर करने के लिए कर रहे हैं ये। और अगर फिर चेहरे पर तनाव ले लिया, मुख पे तनाव ले लिया, सिर में तनाव ले लिया, तो उतना लाभ नहीं करेगा। तो इस विधि से आप इसको, ठंडा अंदर जाएगा करें बार बार, और गर्म बाहर निकलेगा, अंदर से सारे शरीर की गर्मी जो अतिरिक्त है वो बाहर हो जाएगी और आपका जीवन सुखद होगा, स्वस्थ होगा। हमें बीपी की गोलियां लेकर के
बीपी या और दूसरे रोग नियंत्रित नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि वो किडनी भी खराब करती हैं। इसलिए आप शीतकारी शीतली प्राणायाम करने से ही उनको नियंत्रित कर लेंगे। ये मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है। आप ये वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें चैनल। सभी को शुभ नमस्ते, धन्यवाद।